बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने जा रहा है एक ट्रेवल ब्लॉग, जो कि हम लोग जा रहे हैं मासी, मैं, प्रिया, प्रिया की मम्मी और मेरी मम्मी, तो प्रिया के गाँव वाले घर और मेरे ससुराल। दोनों पापा नींद में हमें बाहर छोड़ने आए हुए हैं। पापा नींद खुल गई। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं प्यारे से सनराइज के साथ, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ और मनीष जा रहे हैं और मम्मी वन और मम्मी टू दोनों। तो से हेलो। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भोवाली मार्केट, और मार्केट पूरी है बंद, तो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मम्मी और लोग यहां से ले रहे हैं कुछ फल फ्रूट, और यहां पे उनकी बार्गेनिंग स्किल्स अभी भी देखो चालू है। तो मनी नींद कितनी आ रही है? ये बाल क्यों हो रहे हैं? नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं। सिर्फ मैं तो 3 घंटे सोई हूँ कल रात से लेके अभी तक, और ऐसी भयंकर नींद आ रही है ना, मुझे हो रहा है कि कोई मुझे बोल दे कि सो जा पिया, तो मैं ऐसी भयंकर नींद लेकर आऊँ। बट एनीवे जाने की भी एक्साइटमेंट है, तो गाइस स्टे ट्यून्ड। यहाँ से हमने लिए हैं कुछ फल, जैसे कि ये है नाशपाती और आड़ू, और लिए हमने कुछ सेब। और तो गाइस आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखे, स्टे ट्यून्ड। तो कल मनीष ने एक डायलॉग सीखा है, और वो है हमारे मुंबई वाले जीजा जी, उन्होंने सिखाया, तो आज वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही है। तो मनीष बताओ। तो वो एक कहावत है जो कि कल जीजा जी ने मुझे बताई, वो इस प्रकार है। वो पहाड़ी में है, तो मैं आपको उसका मीनिंग भी बताऊंगा, पहले मैं पहाड़ी में बोलता हूँ। पहली आल भवाई, फिर लागली कैच, फिर खेतरन गरम पानी, फिर तेर खैरनी। अब इसका मतलब है, पहले आएगा भवाली। भवाली एक जगह है यहाँ उत्तराखंड में, तो वो आएगा। फिर लागली कैच, मतलब एक कैची धाम पता ही है, वर्ल्ड फेमस है, तो उसको थोड़ा हंसी मजाक में बोला गया है कि लगेगी फिर कैची, ठीक है। फिर खेतरी गर्म पानी, इसका मतलब है कि फिर तेरे ऊपर गर्म पानी डाल देंगे। गर्म पानी भी एक जगह है यहाँ पे। तो और लास्ट में है, फिर तेर खैरनी, तो खैरना एक जगह है। तो ये चारों जो नाम लिए मैंने, ये जोड़ के ही है, हाँ, और ये लाइन से ही है, जिस सीरियल नंबर से मैंने बोला है उसी सीरियल से ही है। ये सबसे पहले भवाली आता है, उसके बाद कैंची धाम आता है, फिर उसके बाद गर्म पानी एक जगह आता है, फिर चौथा आता है खैरना। तो इस तरह से है ये कहावत। तो गाइस मुझे पता है इनकी पहाड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इवन मेरी भी नहीं है, बट इन्होंने ट्राई अच्छा करा है। स्टे ट्यून्ड गाइस आगे के लिए। और जो खैर वाली बात बोली थी मनीष ने, वो सही बोली है, क्योंकि कुछ इस तरह से यहाँ का पहाड़ है, तो बिल्कुल सच में खैर नहीं है। तो इस जगह का नाम है खैरना। गरम पानी है ना,
तो गाइस अभी हम लोग हैं कहाँ पर बताइए मनीष? ये खैरना से ऊपर है, खैरना से ऊपर है और रानीखेत यहाँ से 20 या 22 किलोमीटर है। तो मम्मी कितनी एक्साइटेड थी आने के लिए, देखो मम्मी क्या हुआ, रिंगाई लग गई, मम्मी की नींद पूरी नहीं हुई है, रिंगाई भी लगनी स्टार्ट हो गई है। कोई नहीं मम्मी, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये रहा व्यू अभी जो कि बहुत प्यारा है। ऊपर वाले से नीचे वाले से, नीचे वाले से मार्केट आएगा ना, नीचे वाले से जाना हमने, लेना है तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रानीखेत और यहाँ का मौसम है ठंडा ठंडा सा और बारिश का पूरा माहौल बन चुका है, बट अभी बारिश हुई नहीं है। और दोनों मम्मी, एक मम्मी तो हमारी सो गई है, दूसरी मम्मी बाहर। मम्मी का तो ये बचपन बीता हुआ है यहाँ पे, है ना मम्मी? गाइस पता है क्या हो रहा है, रील्स बना रहे हैं, रील्स। ये मेरी मम्मी है प्रियंका और प्रियंका की मम्मी अब यहाँ पे बना रहे हैं, इनका रील्स बनाने का मन कर गया लोकेशन देख के। रानीखेत मार्केट जो मेरे बैक साइड में है और काफ़ी यहाँ पे भीड़ है ज़्यादा। और यहाँ पे हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हमें लेनी है मिठाई, तो हम यहाँ पे रुके हैं उपाध्याय जी के यहाँ पे। तो ये मिठाई है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस बारा खाम, और बारा खाम है मेरी सास का यानी कि प्रिया की मम्मी का मायका। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो हम जा रहे हैं पता नहीं कहाँ, चलो आपको भी दिखाते हैं। ये रास्ता जा रहा है नीचे को। गाइस ये जो आपको टीले ऐसे दिख रहे हैं इनको बोलते हैं बारा खाम। ये बारा खम्बे टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इनका हिस्ट्री क्या है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताएं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 बारा खम्बे। क्या इसके बारे में तो पता ही नहीं है मुझे, क्या है पढ़ना पड़ेगा कुछ इस तरीके से है। देखिए तूने पैसे तो नहीं लगाए
गाइस तो ये देखिए बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और जहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ इस पे देखिए ध्यान से, बिना किसी मसाले के ये टिके हुए हैं, बीच में कोई जॉइंट नहीं है, विदाउट जॉइंट ये एक दूसरे पे खड़े हैं ये पत्थर जितने भी लगे हुए हैं, और कितने बड़े बड़े, एक एक पत्थर इतना बड़ा बड़ा है। और ये ऊपर देखिए डिज़ाइन, ये पता नहीं है कब का बना हुआ है, आई थिंक कतियोरो के टाइम का, कतियोरो समाज था जब, तब का बना हुआ है या फिर उससे पहले का, मुझे नहीं मालूम है। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा हाँ, तो अम्मी जी बताओ, आप कुछ बता रहे थे। ये मेरे पापा का जीवन है, मेरा जीवन है, बचपन से हम यहाँ रहे हैं, नाना की दुकान। तो अम्मी का कहना है, ये कहना है क्या, ये मम्मी की दुकान है, मायके वालों की। हाँ। और ये रास्ता कहाँ को जा रहा है? ये जो जगह नहीं बना मायके, हेलो दुकान मायके, चलो आगे। बस यहाँ बात देखो तुमको, क्या है आगे? तो मुझे कब से जिस चीज़ का इंतज़ार था, तो मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। ये देखिए मैं अमेरिका पहुँच चुका हूँ, और अगर आपको भी आना होगा विदाउट वीज़ा तो आप यहाँ पे अमेरिका आ सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। तो किसी भाई को भी जाना होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो बिना वीज़ा के मैं यहाँ पे अमेरिका आपको पहुँचा सकता विदाउट एनी यूएस वीज़ा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मेरे होम टाउन यानी चौना मासी, और ये है मेरा ब्यूटीफुल गांव, और यहाँ पे सारा आपको जो है मनीष और मैं एक्सप्लोर कराने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं। बाकी इसके अलावा ना यहाँ पे आम अभी इतने ज्यादा हो रखे हैं ना, मतलब अंधाधुंध जिसे कहते हैं। तो मनीष तो पहले से सोच के आएगी भाई मैं तो सारा स्टॉक लेके जाने वाला हूँ पंतनगर, लेट सी हम कितना कवर कर पाते हैं। सो गाइस स्टे ट्यून। हाँ मनी अपने, अरे उनको दो ना, वो अपने ससुराल आ रहे हैं। हाँ अपने ससुराल, मम्मी जी तो पहली बार आ रही है हमारे यहाँ। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेरे मायके का इलाका है तो अच्छा ही लगेगा। हाँ क्योंकि मम्मी का गांव भी यहाँ से ना पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और हार्डली कितना 10 किलोमीटर लगा के चले, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है मम्मी का भी। ये आम कितने छोटे हो रहे हैं अभी, वो बच्चे से है ना। ये है चाचा की गाड़ी और मेरी मम्मी आगे जा रही है क्योंकि इनको रास्ता पता है, तो ये आगे चल रहे हैं। ये देखना पूरे मोहल्ले के लिए उठा के लेके जा रहे हो हैं, दामाद जी आए हैं। दामाद जी अंगना हाँ ऐसे ये बात हुई मम्मी जी ऐसे ले आऊं थोड़ा सा। हाँ सुना ना, लोग कहेंगे तुम शहर से आ रहे हो गांव या गांव से शहर आ रहे हो। सो गाइज ये है रास्ता जाने के लिए घर के लिए, और वो है हमारा मंदिर जो गांव का मंदिर रहता है जहाँ पे जागरी वगैरह रहती है, वो वहीं पे ही होती है। और ये रास्ता ऐसा पूरा घर तक ही हमारा ऐसा जाएगा। तो गाइज हम घर पहुंच चुके हैं, और वो मेरे चाचा जी वाला, और वो चाची जी आई है हमारा टमी टमा मनी, ये वही डॉगी जो बचपन में मिलके गए थे। तो गाइस और ये हमारा है घर, ये फ्रंट का है बैक का भी है, तो हम आपको पूरा घर एक्सप्लोर कराते हैं, तो तब तक आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए।
सो गाइस, ये है प्यारी सी पहाड़ी फीमेल ब्रीड जूली, और जूली के नेक पे आप कुछ निशान देख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 10 दिन पहले जूली की फ़ाइट एक टाइगर यानी बाघ से हुई थी, जिसमें जूली को बाघ उठा के ले गया था और जूली ने भी उसका जम के सामना करा और घायल हो गई। जूली की नेक में बाघ के दांतों के निशान हैं और कुछ पंजों के निशान उसके पेट में भी हैं, और जो रेड कलर देख रहे हैं आप लोग, वो उसके दवाई लगाई हुई है। तो भाई देख लो कितने स्ट्रांग होते हैं हमारे पहाड़ी डॉग्स। तो गाइस, ये है पुराना घर गांव का, जो कि पुरानी स्टाइल में बना होता है। ये है एक बाहर का रूम, नीचे ग्राउंड फ्लोर का। फिर है दूसरा, यहाँ पे एक्चुअली जूली सोती है। और हमने पहुँच के यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी, चाय वाय पी मम्मी लोगों ने, और थोड़ी देर हमने जूली के साथ खेला। तो अब हो चुका था डिनर टाइम, तो घर में बना था पनीर और खीरे का रायता मिक्स वेज। तो ये था पहाड़ी स्टाइल का खाना, जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया, और पहाड़ का टेस्ट तो क्या ही क्या। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका डे टू व्लॉग में, जो कि हम हैं मासी उत्तराखंड में। पूरा इन्होंने यहाँ पे फार्मिंग कर रखी है अपनी, सिर्फ वेजिटेबल्स की। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ पे क्या क्या है वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है रिया। रिया क्या कर रही है? रिया तोड़ रही है भिंडी। ये देखो, रिया ने भिंडी तोड़ ली। करेला भी है, देखो सही है यार। ये देखो मिर्ची। ये देखिए शिमला मिर्च, भाई साहब इसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम लोग तो खा रहे हैं केमिकल। ये देखो, ये है जिंदगी, आम जिंदगी लेकिन खूबसूरत जिंदगी। ये है मक्का, मक्का हो रही है, देखो ये मक्का हो रही है। और क्या क्या है रिया यहाँ पे? ये देखो तुरई है लंबी सी। ये किस, ये तुरई का ही है ना? कद्दू, कद्दू का है। ये करेले की बेल है, ये जो आ रही है। और ये किसका है? ये भी तो कद्दू है शायद, पीला फूल वाला। ये कद्दू का है। हाँ वो वाला ना, वो कद्दू लगा है। देखो मैं दिखाऊं जूम करके हल्का सा। ये देखो कद्दू, तो मेन बात ये है भाई, खाने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत वेजिटेबल्स हैं इधर, सब्जियां हैं लगी हुई। जब मनो तब ताजी ताजी तोड़ो खाओ। ये हल्दी का है, ये लगाया किसने? चाचा ने, पापा ने, मम्मी पापा ने। ये चाचा चाची की मेहनत है, यानी कि रिया की मम्मी पापा की। काफ़ी चीज़ें हैं यार। और ये है घर, पहाड़ी घर। ये देखिए गाइस, ये जो अंकल जा रहे हैं अपने कंधे में लेके, इनके आगे बैल हैं, और बैल और जो उनके कंधे में वो है उसे बोलते हैं हल। तो वो अपना खेत जोतने जा रहे हैं। शहरों में तो क्या होता है, शहरों में होता है ट्रैक्टर, लेकिन ट्रैक्टर हर जगह नहीं जा सकता, तो उसके लिए हल ही काम आता है। तो हल लेके जा रहे हैं अपना खेत जोतने, जिससे वो करेंगे अपने फार्मिंग। फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे घर की फार्मिंग में। अगेन रिया तोड़ रही है भिंडी। ये भुज। अब लोग सोचेंगे भुज क्या होता है? भुज होता है भाई, भुजी बोलते हैं ना। आपने पेठा खाया होगा, पेठा बनता है इससे, और हम पहाड़ी लोग बनाते हैं इससे बड़ियाँ, बड़ी की सब्जी बनती है। ये वाला भी तुम्हारा है? हाँ? वो देखिए केले का पेड़, ये रहा केले का पेड़। और आम तो बतेरा है, मतलब गिनती नहीं है आम के पेड़ों की, आम के पेड़ों के भी, और जो उनमें लगे हैं आम उसकी कोई गिनती नहीं है। और ये है यहाँ का घर, जो हमारी पहाड़ी कुमाऊनी स्टाइल का घर होता है।
तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं आम लेने, क्योंकि यहाँ आम हो रहा है दुनिया भर का। इतना आम है कि पूछो मत। हम तो पूछ रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के लोग नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आम इतना ज़्यादा हो गया और खा खा के यहाँ के लोग सब थक चुके हैं। तो हमने कहा क्यों ना गांव आए, पहाड़ आए, तो हम आम लेके आते हैं। और यहाँ पे देखिए ग्वाला लेके जा रहे हैं। ग्वाला लेके जाना मतलब इनको चराने, पानी पीने पिलाने तो लेके जा रहे हैं। वो देखो आम लेने जा रहे हैं ये प्रिया मम्मी, दूसरी मम्मी। भाभी भाभी चली गई गोतील गोड़ने का, वो गुड़ाई करने चले गई हैं। चलो मिलते हैं, बाय। चल चल शेर, मैं फिर यहीं रुकता अभी। ये है पहाड़ों का रास्ता और इसी रास्ते से हम जाएंगे आम के बगीचे में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे आम के बगीचे। पहाड़ों का ऊंचा नीचा रास्ता, तो यार इन्हीं रास्तों में तो मजा आता है। कब तक सीमेंटेड रोड या फिर डामर वाली रोड में चलते रहोगे? इन रोड्स का अलग फील है, इन रास्तों का, पहाड़ों में चलने का। ये आम का पेड़, इधर आम का पेड़, इधर आम का पेड़, हर जगह आम के पेड़ ही पेड़ है। सुई वाला स्विमिंग पूल, क्या 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 बोलते हैं? नहीं नहीं, भैंस पानी में क्या बोलते हैं? खाओ खाओ खाओ, बैठ रखी है भैंसे। खाओ मतलब ये पॉन्ड, और ये बैठी हुई है यहाँ पे, स्माइल कर रही है। ये है गधेरा यहाँ का। फाइनली हमें आम दिख गए हैं, ये देखिए। अब तोड़ेंगे आम। टेढ़े मेढ़े रास्ते, और इन रास्तों का अलग ही लुत्फ उठाते हुए हम लोग। वो देखो, अगर तुम्हें पत्ते दिख रहे हैं येलो 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 येलो, पेड़ में पका हुआ आम, और पेड़ में पके हुए आम का स्वाद ही कुछ और होता है। चलो भाई, यही एकमात्र रास्ता है। पैजामा ऊपर चढ़ा लिया है, करते हैं छोटी सी नदी को क्रॉस। ये है पानी की टंकियां। गाइस आम खा लो, पहुंच चुके हैं हम लोग। यही आम अब भरा जाएगा अपने थैलों में, बैगों में। खा ले तो खा लो। गाइस सी द ब्यूटी ऑफ मैंगो, ये देखो सब गिरे पड़े हैं आम यहाँ पे पके पके। अरे वो जाने ना, इनको उन्हें ये देखो, ये ले रिया रिया, ये कच्चा है। मम्मी ये देखो, ये देखो सब जने आम टीपने आ रखे हैं। अब मैं चढ़ता हूँ इस पेड़ में और तोड़ता हूँ इन सबको। ताजी आम खाने का स्वाद ही कुछ और है भाई। ये देखो आप देख सकते हैं आम, मजा आ गया। आम क्या है, नाम बता। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये तो बोल दे। इनका चैनल सब्सक्राइब कर देना। हाँ तू भी बोल, वहाँ से बोल। ये हुई ना बात, तू भी बोल। मेरे तो बोल। ये देखो इतना आम लेके जा रहे हैं,
छोटी छोटी बच्चियां। योगिता बोला ना तूने नाम? ये योगिता वो है, वो रही दीप्ति, इसलिए वो है दीप्ति, इसलिए है वो छिपती, वो छिपने जा रही है। ये है योगिता। बाय 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 गाइस, आम तो तोड़ चुके हैं, एक थैला ये रहा, दो ये रहे गाइस, ये देखो आम, और ये है आम वाला, और ये आम वाली आगे तीन चल रही हैं गाइस, वो देखो क्या है, ऐसा आएगा ना। गाइस ये था गॉल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम कोमोडो ड्रैगन है, अभी छोटा है, काफ़ी लंबे लंबे मगरमच्छ के साइज़ के भी होते हैं, बट इंडिया में इतने लंबे तो नहीं होते। तो आम तो लेके आ चुके हैं, ये रहे आम, बाकी दो बैग भर के मम्मी और मेरी मम्मी और पिया की मम्मी लेके गए हैं, कुछ ये लेके आ रही है, इसका थोड़ा ज़्यादा भारी है, तो चलते हैं। वो देखो नीचे, बहुत बढ़िया, मजे आ रहे। आये आये पानी, ये सब क्या देखना पड़ रहा है गाइस, ये है मेहनत, आम तोड़े हैं तो आम लेके भी आना पड़ेगा, तो उन्हें कंधों में लाना पड़ेगा। बड़े बड़े तोड़े तो उसको किलो, इससे बड़े बड़े ना, ये सब नीला लीजो, अच्छा लंच टाइम, लंच में बना है मिक्स दाल और चावल भात विद अचार, और छोई भी है, छोई पिया ने बनाई है, वो भी चूल्हे में, चूल्हा इसे कहते हैं लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी लकड़ी मतलब लकड़ी से आग जलाई जाती है। तो भाई लंच टाइम हो रहा है, तो मिर्च खानी तो बनती है, और मिर्च जब खाने का मन है तो ऐसी प्यारी प्यारी ताजी मिर्च का मजा लिया जाए। ताजी मिर्चें ये देखिए, ये देखिए, और ये भी देखिए। तो रात में डिनर करने से पहले हम लोगों ने थोड़ा लाइव म्यूजिक का आनंद लिया, तो ये जो हारमोनियम में हैं ये हैं चाचा जी, और जो ये ढोलक बजा रहे हैं ये इनके फ्रेंड हैं गांव के, और बाकी हम लोग सभी गाना गा रहे थे, तो कुछ कीर्तन और कुछ पहाड़ी गाने हम लोगों ने गाए, तो आप लोग भी देखिए और मजा लीजिए। Oh, oh, oh.
तो हेलो नमस्ते, पहला गुड मॉर्निंग, तो वेलकम बैक टू फॉर न्यू डे। तो आज हम जा रहे हैं वापस अपने घर, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, सामान हमने पैक कर लिया है, तो निकलते हैं हम वापस पंत नगर के लिए। चल, ये है वो घर, आपको दिखाता हूँ ये घर। ये है घर, लो मनीष, यहाँ लाइट, यहाँ एक बल्ब भी जलाए रहते ना, जीरो वाट का। और एक रूम ये है, स्विच देखो, पुराने जमाने वाला, किसी ने देखा होगा तो बताइएगा आप भी। तो इस तरह से होता है गांव में घर, अगर किसी के पुराने अभी भी हैं साबुत, क्योंकि ये बिल्ट ही इतना पुराना हुआ होता है कि हर किसी का नहीं टिका रहता अभी तक। ये सीढ़ियां, ये देखिए क्या, ये होती है घोड़े की नाल, ये चौखट में लगाई जाती है एंट्री में, शायद नजर के लिए होती है। और रूम ये केरा नीचे, ये है गोट, इसे गोट बोलते हैं। रूफ भी पूरा वुडन होता है। और वापस इधर चलते हैं, और दूसरा रूम जो चौथा है वो है ये। ये रहा, इसके ऊपर भी वुडन है लेकिन वो शीट लगा रखी है क्योंकि मिट्टी विट्टी गिरती है। तो हम लोग जा रहे हैं वापस, और एक ये देखिए डॉगी जूली, बाय। सबसे टॉप में बैठ के निगरानी कर रही है, बहुत बहादुर ब्रेव डॉग है ये। तो बस ये है यहाँ का चौना गांव का मंदिर, यहाँ का माई थान। गाइस ऊपर पहुंच चुके हैं, हालत इतनी डाउन हो चुकी है, और ये खड़ी है सामने गाड़ी, इसका कवर निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं इसे। और आज मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरीके से है, मॉर्निंग में बारिश हुई काफ़ी, तो बादल नीचे नीचे आ गए हैं, धुंध सी लगी हुई है। तो जाने का वक्त आ चुका है और चलते हैं। अच्छे रहे हमारे ये दो दिन चौना गांव में, और यहाँ चौना को करते हैं अलविदा। अब हम यहाँ से लेते हैं अलविदा, और रिया और डाड़ मार रही है, नहीं मारना डाड़, आऊंगी मैं बहुत जल्दी। फिर अब हाँ। मैंने चलो बाय 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 टाटा।